नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अपने घर में ही अज्ञात कारण के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। वहीं पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। यहां के जय भवानी नगर में रहने वाले युवक जितेंद्र राठौर निवासी जय भवानी नगर ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल जितेंद्र ने फांसी क्यों लगाई इसका कारण अज्ञात है। परिजन के बयान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आज दिनांक मुझ जांचकर्ता अधिकारी सोनी शीतला प्रसाद मिश्रा को थाना एरोडम का मर क्रमांक 7/23 मिला है, जिसमें मृतक जितेंद्र राठौर पिता देवी सिंह राठौर उम्र 31 वर्ष निवासी 210/8 जय भवानी नगर इंदौर का निवासी होकर अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली थी रस्सी से, जिसके शव को उतार करके जो है मर्चुरी रूम में रखवाया गया था, जिसका आज हम वो PM करा रहे हैं। सर क्या कारण आया है? अभी तक जो कारण मालूम पड़ा है तो मृतक जितेंद्र राठौर की मृत्यु फांसी लगाने से होना प्रतीत होती है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए PM करवाया जा रहा है। PM कराने के बाद जो जांच में आएगा, PM रिपोर्ट में आएगा, वैसा क्या कारण आया सर? परिजन से बात हुई? अभी तक परिजनों से बात हुई है, लेकिन कोई उचित कारण नहीं बता पा रहे हैं और सिर्फ बस फांसी लगाना ही बता पा रहे हैं, इसीलिए PM कराया जा रहा है। आपका परिचय? मैं शीतला सहायक उप निरीक्षक शीतला प्रसाद थाना एरोडम जिला इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।